Hello everyone, welcome to Tathagat. In today's video, we are going to discuss the call criteria that has been released by IIM Calcutta. We have created the same video for IIM Ahmedabad. Aaj hum usi cheez ko fir se IIM Calcutta ke liye discuss karenge. We are going to do the same type of analysis for IIM Calcutta. Now, before we start discussing anything, I am putting a disclaimer here. One thing that we should be clear about कि क्राइटेरिया CAT 2019 के लिए है. हो सकता है CAT 2020 के लिए चेंज हो जाए या हो सकता है वही रहे. हर साल हर IIM CAT के जस्ट पहले अपना कॉल क्राइटेरिया रिलीज करता है. इस साल क्राइटेरिया रिलीज किया था, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि IIM कलकत्ता ने डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को कितना कितना वेटेज दिया है. सो हेयर इज द वेटेज वी हैव रिटर्न. 56% कलकत्ता ने असाइन किया है CAT को, 40% अकेडमिक्स को एंड 4% जेंडर डाइवर्सिटी को. अब ये जो 40% है, ये भी तीन पार्ट से बना हुआ है, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. उसमें डिवीजन है 10%, 15%, 15%. मतलब 10th पे वेटेज जाएगा 10%, 12th पे जाएगा 15% एंड ग्रेजुएशन इज अगेन 15%. और इस तरह से अगर किसी कैंडिडेट का मैक्सिमम स्कोर बनेगा तो वो 100 बनेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग कि किसी पर्टिकुलर टाइप के कैंडिडेट का स्कोर कितना आ सकता है. उसके लिए पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि इस 56 में से किसी कैंडिडेट को कैट में कितने मार्क्स मिलेंगे. उसके लिए कलकत्ता ने जो फॉर्मूला रिलीज़ किया हुआ है वो है मैक्स कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं. लेट्स से कैंडिडेट के मार्क्स है 150 डिवाइड बाय जितने मार्क्स का कैट का एग्ज़ाम है, मतलब 300 इंटू 56. इस जगह आ जाएगा वो 28. मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने 150 स्कोर किया है तो उसको इस 56 में से 28 मिलने वाले हैं. अब 150 इस साल कहाँ स्कोर हुआ है? इट इज़ स्कोर्ड बाय अ कैंडिडेट दैट इज़ बिटवीन 98 एंड 99 परसेंटाइल दिस ईयर. तो यहाँ पे हमने वही कैलकुलेशन डिफरेंट परसेंटाइल पे भी की हुई है. जैसे 97 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट का स्कोर इस साल था 134 के अराउंड, तो उसको अभी इस 56 में से मार्क्स मिलेंगे 25. सेम 98 परसेंटाइल वाले का 143 था, तो कैलकुलेशन करने पे निकल के आता है उसको मिलेंगे 26.7 एंड सो ऑन. 100 परसेंटाइल वाला 235 पे स्टैंड करता है, उसको मिलेंगे 44 आउट ऑफ दिस 56. अब ये 100 परसेंटाइल 235 पे भी है, ऑल द कैट टॉपर समवेयर अराउंड 255 पे है, उसको मिलेंगे 47.6. कैट टॉपर और 100 परसेंटाइल आर टू डिफरेंट थिंग्स. कैट टॉपर तो एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया. 100 परसेंटाइल पे जनरली नंबर ऑफ पीपल होते हैं. इस साल देर आर 10 पीपल विच आर एट 100 परसेंटाइल. तो 100 परसेंटाइल पे 10 लोगों में से किसी एक का 235 है, टॉपर का 255 है. अब लेट्स पिक अ कैंडिडेट, लेट्स कंपेयर टू कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी का कॉल क्राइटेरिया में कोई रोल नहीं है, सिर्फ जेंडर डाइवर्सिटी का है. तो वी आर गोइंग टू कंपेयर टूडे अ मेल कैंडिडेट अगेंस्ट अ फीमेल कैंडिडेट. तो लेट्स से वी हैव टू कैंडिडेट्स, मेल एंड फीमेल. मेल का स्कोर आता है लेट्स से 99 परसेंटाइल, तो उसको इसके लिए मिलेगा 29.5. एंड लेट्स से फीमेल का आता है 98 परसेंटाइल, तो फीमेल विल गेट 26.7 मार्क्स. अब कैट के अलावा इसी में दूसरा पार्ट देखते हैं, एकेडमिक्स में कितना कितना किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को मिलता है. एकेडमिक्स का ये 40% या 40 मार्क्स मिलके बना है 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन से. 10th के लिए वेटेज है 10% यानी 10 मार्क्स. और अगर कोई कैंडिडेट 80% से ज़्यादा स्कोर करता है तो उसको मिलेंगे पूरे 10. अगर कोई कैंडिडेट 12th में भी 80% से ज़्यादा स्कोर करता है तो पूरे 15. एंड ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स्ड है. अगर 60% से ज़्यादा स्कोर करता है कोई कैंडिडेट, ही विल गेट 15 आउट ऑफ 15. तो अगर देखा जाए, IIM कलकत्ता थोड़ा प्रैग्मेटिक है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. वो ये कंसिडर कर रहा है कि समबडी हु इज़ एट अ रेंज ऑफ 80 to 85 शुड गेट फुल मार्क्स इन 10th एज वेल एज इन 12th. और ग्रेजुएशन में इनफैक्ट 60% से ज़्यादा है जो ज़्यादातर जनता होती है, तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे. अनलाइक अदर IIMs दैट सेट देयर क्राइटेरिया लिटिल हायर देन दिस. वो कहते हैं कि 90% से ज़्यादा पे पूरे मिलेंगे, या थोड़ा रिलैक्स्ड है 80% से ज़्यादा पे ही मिल जाएंगे, और ग्रेजुएशन के केस में 60% पे. तो नाउ लेट्स कंपेयर अ कैंडिडेट, अ फीमेल एंड मेल कैंडिडेट दैट हैव सिमिलर काइंड ऑफ एकेडमिक्स. लेट्स से मेल का भी
टेंथ में 80-85% था, ट्वेल्थ में भी 80-85% था, ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर था जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स स्कोर करते हैं, तो उसको यहाँ पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 10, 15, 15. लेट से फीमेल स्टैंड्स एट द सेम लेवल 10, 15, 15. ठीक, यहाँ 90% से ज़्यादा होने का कोई एडवांटेज नहीं है, 80% इज सफिशिएंट, या ग्रेजुएशन में आउटस्टैंडिंग CGPA का भी कोई एडवांटेज नहीं है, 60% के ऊपर आपको पूरे मिल रहे हैं. अब इसके बाद एक और जो पॉइंट बचा है वो जेंडर डाइवर्सिटी का, जिसका 4 marks पूरा का पूरा फीमेल को जाता है, यहाँ मेल को वो 0 मिलेगा. अब इस पूरे को ऐड करें, लेट्स ऐड द वैल्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे 40 + 29.5 ये आ जाएगा 69.5 पे, एंड फीमेल कैंडिडेट अगर ऐड करेंगे तो ये 44 + 26 ये 70.7 पे हैं. ठीक, मतलब इफ वी कंपेयर दीज टू कैंडिडेट, मेल एट 99% इज लेस देन फीमेल एट 98%, क्योंकि जेंडर डाइवर्सिटी के 4 marks को कंसिडर करते ही मेल का ओवरऑल स्कोर फीमेल से कम हो जाता है. सो लेट्स से कि फीमेल को 98% पे कॉल आ रहा है और मेल को नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह ये हो सकती है. अब लेट्स डू वन मोर थिंग कि फोर नंबर, ये जो 4 का एक्स्ट्रा वेटेज जो जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से मिल रहा है, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है. इसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं, x/300 × 56 = 4. इस कैलकुलेशन में x की वैल्यू देखते हैं. अभी यहाँ से अगर आप x निकालोगे, जो मैंने निकाली हुई है, दिस वैल्यू विल बी 21.4. अभी x क्या लिया है हमने, कितने मार्क्स में, कैट में कितने मार्क्स में यू विल गेट 4 out of 56. वहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू 21.4 है. अब ये 21.4 क्या सजेस्ट करता है, दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 4 marks बाय एडिंग 21.4. मतलब अगर आप लेट्स से 158 पे हो, इसमें आपने 21 स्कोर ऐड कर दिया, 21 मतलब ऑलमोस्ट 179-180 के करीब, तो आपका 4 marks बढ़ जाता है, तो 29.5 से आप 33.5 पे आ जाओगे. तो व्हाट डज इट सजेस्ट, कि अगर मेल कैंडिडेट लेट्स से ए मार्क्स स्कोर कर रहा है और फीमेल ए माइनस 21.4 marks स्कोर कर रही है, दे बोथ स्टैंड एट सेम लेवल, क्योंकि इसको जो 4 number का एडवांटेज मिला है, फीमेल जेंडर डाइवर्सिटी से ओवरकम कर पा रही है. तो बेसिकली टू ओवरकम दिस 4 marks, दिस 4 gender diversity marks, अ कैंडिडेट, अ मेल कैंडिडेट मस्ट स्कोर 21.4 marks ग्रेटर देन अ फीमेल. 20 marks इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, एंड कैट 20 marks को देखेंगे, तो अगर मेल कैंडिडेट 158 है, तो फीमेल कैंडिडेट 138 पे ही उसको सरपास कर सकती है, या मेल कैंडिडेट 171 है, तो फीमेल कैंडिडेट 150 पे ही मेल कैंडिडेट को सरपास कर सकती है. दिस इज द एडवांटेज दैट फीमेल्स हैव बिकॉज ऑफ दिस 4 marks प्रोवाइडेड देम बिकॉज ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी. सो दिस इज द एनालिसिस. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से हमें समझ में आता है कि फीमेल के पास ऑलमोस्ट 1.5% का एडवांटेज है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 21 number पे ऑलमोस्ट 1.5 से 2% का अंतर आ जाता है. आगे के हायर परसेंटाइल में उतना अंतर नहीं आता है, पर जो जनरली जो प्रेगमेटिक फिगर्स हैं 97, 8, 9, उसमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2% का एडवांटेज है फीमेल के पास. सो दिस इज द क्राइटेरिया. अब यहाँ पे ऑल्दो आई एम कैलकटा ने एकेडमिक डाइवर्सिटी को कोई पॉइंट नहीं दिए, ना ही वर्क एक्सपीरियंस को, ये कॉल के लिए नहीं देते हैं आई एम कैलकटा वाले जो इस साल इन्होंने रिलीज किया है, पर जो फाइनल कन्वर्जन होता है उसमें एकेडमिक डाइवर्सिटी का वेटेज रहता है और इनफैक्ट वर्क एक्सपीरियंस का भी रहता है. फाइनल कन्वर्जन इसके बाद PI वैट के मार्क्स ऐड करके फाइनली जो कॉल निकाली जाती है, जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, उसमें एकेडमिक डाइवर्सिटी है, उसमें वर्क एक्सपीरियंस है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. आर ऑब्जेक्टिव टुडे इज टू एनालाइज द कॉल क्राइटेरिया दैट वी हैव डन. उसमें 8 marks वर्क एक्सपीरियंस को दिए जाते हैं, 4 marks एकेडमिक डाइवर्सिटी को, दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, दैट इज stage 3. दिस इज stage 2, कॉल किस बेसिस पे हो रही है. सो दिस इज इट एवरीवन. तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर योर चांसेस अगेंस्ट एनी अदर कैंडिडेट. This is I am Calcutta. Thank you, everyone.